अभी सब का है, एक ही साइड से भी इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, शाहनवाज साहब जिंदाबाद, शाहनवाज साहब तुम आगे बढ़ाओ। आज हिलका का जो सुरन कोट का सबसे रिमोटेस्ट एरिया है, जहां कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, आज पहली बार जो है 70 साल में पहली बार आज यहां पे मेडिकल कैंप का इफ्तिता किया है। बीएमओ सुरनकोट जो है डॉक्टर तारिक साहब और सारे डॉक्टर्स की टीम और स्टाफ जो है आज सुरनकोट से यहां पहुंचा है। हमने मेडिकल कैंप का आज इफ्तिता किया है। मैं शुक्रिया करता हूँ बीएमओ साहब का और सारे जो डॉक्टर्स की टीम जो इतना दूर से पैदल चल के आए हैं कि आज लोगों की खिदमत के लिए आए हैं, और यहाँ के कितने बुजुर्ग हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, जिनको कोई मेडिकल फैसिलिटी यहाँ से, क्योंकि सुरनकोट जाने में कितना वक्त लगता है, तो आज यहीं पे ये सारा चेकअप होगा। और अलग अलग स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स भी यहाँ पे हैं, वो चेकअप करके यहाँ मेडिसन्स भी सारी दी जाएंगी। इससे मुझे लगता है कि सुरन हिलकाका के जो लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और ये भी अनाउंस किया है आने वाले बीएमओ साहब ने भी कि हर साल जो है यहाँ ताकि एक मेडिकल कैंप हो, ताकि लोगों को जब समर्स में यहाँ कंप्लीट लोग होते हैं, लोगों में लोग होते हैं, तो यहाँ लोगों को उसका फ़ायदा पहुँच सके। इसके अलावा जो है हिलकाका में, क्योंकि ना बिजली है यहाँ, लोगों को हमने पिछले दिनों सबको मैंने सोलर लाइट सबको प्रोवाइड की हैं। उसके अलावा क्योंकि यहाँ जो है रास्ते में तकरीबन 32 जगह जो है वो दरिया क्रॉस करना पड़ता था लोगों को, और आज तक किसी ने रास्ता तक नहीं बनाया था। लोग कई लोग बह जाते थे दरिया में, बहुत तकलीफ होती थी। हमने आज जो मैंने जो है अपने फंड से पैसा रख के टेंडर भी हो गया था और काम मुकम्मल हो गया है। बाईपास दरिया को रास्ता आज जो है लोग बहुत खुश हैं कि वो रास्ता बन गया है। आज उस रास्ते का भी हम इफ्तिताह करेंगे। उसके अलावा क्योंकि ये दूर दराज इलाका है, इतनी खूबसूरत जो है वो वादियाँ हैं, अगर यहाँ सड़क पहुँच जाएँ, लोगों की भी तकलीफ़ दूर हो, जो 70 साल से ये लोग इतनी तकलीफ़ में हैं कि आप रोना आता है इनकी कहानियाँ सुन के। तो रोड कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। मैंने इनका जो प्रोजेक्ट है दोचंगा से हिलकाका, वो प्रोजेक्ट रोड का बना के सेक्रेटरीट में अप्रूवल के लिए लिया है। मुझे कोशिश है इस साल ना हुआ तो अगले साल ज़रूर उसको अप्रूव करवा के, ताकि ये सड़क बन जाए यहाँ पर। और सड़क अगर बन जाएगी इनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है इनका राशन की प्रॉब्लम थी, यहाँ नेटवर्क मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, तो हमने टेकअप किया है, इसको प्रपोजल मूव कर दिया है कि ताकि ऑफलाइन राशन इन लोगों को मिले, इनको तकलीफ ना हो। यहाँ से इनको कुलाली मड़ा जाना पड़ता है राशन लेने के लिए, ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस की वजह से, लेकिन अब वो भी जो है ऑफ हो जाएगा। और जो लोग APL में थे वो BPL में जो है डाल दिए गए, मैंने उनका प्रपोजल भेजा था। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक जो, क्योंकि सब सेंटर है यहाँ पे लेकिन उसकी बिल्डिंग नहीं है, तो मैंने NHM से अप्रूव करवा के एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बिल्डिंग, टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर होता है NHM जो है अपनी जिंदगी से आगे बैठे हैं। 5-6 तो मैंने खुद पोस्टमार्टम किया जब से मैं 2 साल से आया, इसलिए ये जो ड्रग्स का नशा है इससे बिल्कुल दूर रहे, इसमें कोई फायदा नहीं, नुकसान है, पूरी फैमिली खत्म हो जाती और पूरा इलाका खत्म हो जाता। स्पोर्ट्स की तरफ आए, अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में आए, स्टडीज़ में आए, हर शोबे में आप करेंगे। बाकी शनवा साहब को मेरी गुजारिश है कि वो ये एक टूर्नामेंट हर साल यहाँ हिलकाका का मैं करवा दिया करें। बिल्कुल, हम आपके शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल, हर साल जो है जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं, मेरे खुशी की बात है ये। हम आपके साथ हैं, आप आगे कदम बढ़ाओ, हम साथ में इंशाल्लाह। पूरी यूथ से मैं गुजारिश करूंगा आप सुरनकोट आ सकते हैं, हमारी अच्छी टीम है, शनवाज साहब हमारी सरबराही करते हैं, और कोई काम भी हो किसी तरीके का तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, और आपने आना, हमारे आपस में कोई भी काम हो तो हम आपके लिए हाजिर हैं।